भागलपुर के शहरी क्षेत्र के 30 केंद्रों पर 66वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित परीक्षा के दौरान दूसरे जिले और राज्यों से आए करीब 10,000 परीक्षार्थी ने हिस्सा लिया। 11 बजे से सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए परीक्षा के दौरान भागलपुर के एडीएम राजेश झा राजा की तैनाती उड़नदस्ता अफसर के रूप में की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर इस बार राज्य में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। राज्य के 35 जिलों में कुल 888 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 4,08,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। भागलपुर में गुरुकुल उच्च विद्यालय नाथनगर, सुखराज हाई स्कूल नाथनगर, बोल्डविन चाइल्ड स्कूल नाथनगर, TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर सिटी कॉलेज, महादेव सिंह कॉलेज, TNB कॉलेज एट इंटर स्कूल, इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल सहित कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरकारी लाभ के लिए पशु टैग होना जरूरी है। जिस तरह मानव को सरकार लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी है, उसी तरह पशु की सरकारी सुविधा हेतु सरकारी लाभ के लिए या सरकारी चिकित्सा के लिए पशु टैग होना जरूरी है। ये बातें पशु सहायक निदेशक मोहम्मद इंतेखाब अख्तर ने बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी पशु योजना लाभ के लिए पशु के कान में पशु टैग होना जरूरी है, ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पशु योजना का लाभ लोगों को मिल सके। वहीं उन्होंने लोगों द्वारा पशु टैग का विरोध करने पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को भ्रम हो गया है कि जानवरों के कान में सिल्वर टैग किया जाता है तो ये जानवर सरकारी हो जाते हैं, परंतु उन्होंने उक्त टैग के भ्रम को दूर करते हुए कहा कि पशु टैग होने से लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी पशु योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उक्त पशु टैग नहीं होने के कारण सरकारी योजना से अब जानवर भी वंचित हो जाएंगे। अभी सरकार की तरफ से जो है NADCP के तहत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में यह टैगिंग का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। होता क्या है कि हमारे वैक्सीनेटेड फील्ड में जा रहे हैं, कहीं कहीं पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कान में टैग लगाने से फिर वो जानवर जो सरकारी हो जाएगा, तो वो जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए हम लोगों को जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। मैंने अपने लेवल से भी जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखा है, साथ ही BDO साहब के साथ भी एक लेटर सबको हम लोगों ने भेजा है। फिर भी प्रगति जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का ईयर टैगिंग में हो नहीं रहा है। ईयर टैगिंग एक्चुअली जिस तरह से इंसानों में आधार कार्ड बन रहा है, उसी तरह जानवर के लिए आप मान सकते हैं कि आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड इस तरह से इसको समझा जाए कि जिनको टैगिंग कर दिया जाएगा, जिनके कान में कनौसी लगा दी जाएगी, उसी को ही सरकार की सब योजना का लाभ मिलेगा। चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो कृमिनाशन दवाओं का वितरण हो, चाहे इवन ये हॉस्पिटल में जाएंगे दवा लेने के लिए या और भी हम जो सरकारी सुविधा है, तो जब तक टैग नंबर नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, वो भी जो है टैग्ड एनिमल को ही करना है। अगर वो वैक्सीन सिर्फ टैग एनिमल को पड़ेगा और जो अनटैग एनिमल है उसको वैक्सीन नहीं पड़ेगा, तो उसमें तो बीमारी आने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अपने अपने क्षेत्र में मेरे वैक्सीनेटर घूम रहे हैं, उनसे आप जो है संपर्क करके जरूर टैगिंग करवा लीजिए। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद बाजोड़िया का श्रद्धांजलि सभा भागलपुर के गौशाला में मनाया गया, जिसमें मारवाड़ी समाज के एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और तस्वीर पर पुष्पांजलि करके अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित की। जगदीश प्रसाद बाजोड़िया का निधन 21 दिसंबर 2020 को उनके निवास स्थान पर हृदय गति रुक जाने से हो गया। जगदीश बाजोड़िया का जुड़ाव एवं योगदान भागलपुर के अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संगठनों से जुड़ा रहा। रामगोपाल पोद्दार ने गौशाला प्रबंधन से संबंधित उनके कार्य को याद किया। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से दीपक कुमार भुवानिया, गिरधारी केजरीवाल, अतुल ढंडनिया, रोहित बाजोड़िया, अशोक भिवानी वाला, नंदकिशोर पोद्दार, नवनीत ढंडनिया, प्रदीप ढंडनिया आदि मौजूद थे। जगदीश जी बाजोड़िया हमारे समाज से भागलपुर की सामाजिक हो या धार्मिक हो या शैक्षणिक सभी संस्थाओं से इनका जुड़ाव रहा है और आपने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया है। इसी क्रम में एक बात बताना आवश्यक है
कि जब भागलपुर में कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं थी, टाइप से टाइप होता था, उस वक्त इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टाइप लाया और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के माध्यम से ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जो थीसिस लिखते थे, वो थीसिस इसलिए इनसे टाइप करवाने के लिए आते थे बड़े अनुरोध अनुनय विनय के साथ कि शुद्धि माने इनको अशुद्धि से बहुत चिढ़ थी और इनका जो हिंदी उर्दू और अंग्रेजी पर जो कमांड था वो शायद उस समय बहुत कम लोगों पर रहा होगा। यही सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी ये थी। भागलपुर के कंबाइंड बिल्डिंग में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा संघ के पद धारक कॉमरेड अनिल लकड़ा की मौत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अनिल लकड़ा के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए संघ के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को आत्मसात किए जाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कॉमरेड अनिल लकड़ा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भूतपूर्व पदधारक थे। इनका 18 तारीख को असामयिक निधन हो गया। ये कर्मचारियों के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। कर्मचारियों के द्वारा यह परिपाटी रहा है कि हम लोग जो हमारे बीच से गुजरते हैं उनका हम पुष्प अर्पण श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही ये प्रयास करते हैं कि उनके विचारों पर हम लोग चल सकें। आने वाले नए साल में भागलपुर रेलवे जंक्शन पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और यह पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखेगा। स्मार्ट सिटी का स्टेशन भी बड़े स्टेशनों की तरह स्मार्ट होगा। विगत एक साल में जंक्शन पर कई सुविधाएं बढ़ी हैं। 2021 के जनवरी से मार्च के बीच यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मार्च तक पूर्वोत्तर भारत का पहला हाईटेक रेलवे यार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से गाड़ियों के रखरखाव में सहूलियत होगी। यार्ड को सुरक्षित करने के लिए ऊंची चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी मालदा रेल मंडल के प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने दी। अधिकारियों के साथ भागलपुर पहुंचे डीआरएम ने रेलवे जंक्शन, रेलवे यार्ड, कैरेज एंड वैगन विभाग का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी। 6 घंटे के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्यों के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएमआई सत्येंद्र तिवारी, डीईएन राजीव कुमार, डीईजी स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन अधीक्षक, आरपीएफ इंस्पेक्टर, पीडब्ल्यूआई आरके सिंह, एसएसई अख्तर हुसैन भी मौजूद थे। नए साल में भागलपुर को दो नई लिफ्ट मिलेगी, एस्केलेटर मिल जाएगा, इसकी संभावना है कि हम फरवरी या मार्च से पहले फाइनेंशियल क्लोजर पूरा कर देंगे। वीआईपी एंट्री एक अलग हो जाएगी, जैसे नई दिल्ली में 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब उन लोगों के अलग हो जाएगा और थोड़ी जितनी जो सुविधा है सेकेंड एंट्री आपकी खुल जाएगी और भागलपुर में जो दूसरी तरफ से आवागमन और वहाँ बुकिंग वुकिंग का काउंटर भी खुल जाएगा। यही है अभी फिलहाल में। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी में कचरा में आग लगाने के दौरान झुलसने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान धीरज कुमार के रूप में हुई है, जो अपने दुकान के बाहर कचरे को साफ कर उसमें आग लगा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गया, जिसकी चपेट में आने से युवक बुरी तरह जल गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। ये रोज की तरह जो है अपना साफ सफाई करके जो है ना, एक जगह गंदा कचरा सब ज़्यादा था इधर से, तो उसको सफाई को मतलब कि ख़त्म करने के लिए जलाया इधर से कचरा सब को, तो वही जलाने के दरमियान ही जो है वो आग जो है ना थोड़ा सा भभक गया जो है ना चेहरे पे जो है ना। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पीछे की जमीन बाढ़ के समय पूर्ण रूपेण जलमग्न हो जाती है, जिससे यहाँ के सभी खेतों में पानी भर जाता है।
यहाँ ना तो फसलें पैदावार हो पाती है और यहाँ आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मध्य में बसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र जिसको जाने आने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिस कारण कई बार नाव दुर्घटना में कई व्यक्ति की जान चली जाती है। सरकार डूबे व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए देती है। यदि इस पैसे का उपयोग कर एक बांध और तालाब का निर्माण कर दिया जाता है तो यहाँ बाढ़ से डूबने वाले व्यक्ति की जान बच जाएगी, दूसरी तरफ खेतों में पानी फैलने से बचेगा, साथ ही मछली पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। वहीं खानकित्ता पंचायत के मुखिया संजीव कुमार ने बताया कि बांध और तालाब बनने से यहाँ की जनता को काफी लाभ होगा। इस तालाब से, ये तालाब बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज और पुराना रेलवे लाइन रजनीपुर बांध के मध्य में ये बांध बनना है। ये तालाब की बांध का करीबन 50 वर्षों से मांग है। इस बांध से लगभग 200 एकड़ की सिंचाई होगी और अर्लियर खेतों की बुआई भी होगी, इससे किसानों का उपज भी बढ़ेगा। नौका दुर्घटना में जो सरकार को 4 लाख पर व्यक्ति मुआवजा देना पड़ता है आपदा राशि के तहत, अगर 10 आदमी नौका से दुर्घटना में डूबती है तो सरकार उसे 40 लाख देती है। एक बार की दुर्घटना से ही अगर वो बांध बन जाती है तो ये दुर्घटना का हमेशा के लिए निदान निकल जाएगा। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और प्रतिदिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कनकैती में कचरा डंप करने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। डंपिंग ग्राउंड मिले 2 वर्ष हो गए लेकिन अब भी नगर निगम शहर भर का कचरा शहर के बीचों बीच लाजपत पार्क के समीप या नाथनगर के दोगच्ची और बाईपास के समीप गिरवा रहा है। बाईपास के समीप सड़क किनारे कूड़ा डंप करने से वन विभाग के द्वारा लगाए गए दर्जनों पौधों का जीवन संकट में है। दूसरी ओर सड़क किनारे लगे कचरे के अंबार से फैल रही बदबू से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जब नगर निगम के जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर जल्द ही कचरे को कनकैती स्थित डंपिंग ग्राउंड में गिरवाए जाने की बात कही। कनकैती में नगर निगम का डंपिंग ग्राउंड है, लगभग 4 एकड़ का है जो गवर्नमेंट हम लोग को दिया है। पहले से वहीं पे डंपिंग हो रहा है लेकिन बीच में वहाँ जो अतिक्रमण करके रखा है तो वो लोग के द्वारा बहुत सारे विरोध करते हैं, तो इसके लिए बहुत लॉ एंड ऑर्डर का संभावना भी वहाँ हो रहा है। तो इस पर्पज के लिए कल भी हम लोग दिशा मीटिंग से पहले डीएम सर से भी चर्चा किया और डीएम सर भी हम लोग को सहयोग करने के लिए रेडी है। फोर्स और मजिस्ट्रेट भेजने के लिए सर भी बताया है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग को वो जगह भी क्लियर हो जाना चाहिए। वहीं विधायक अजय शर्मा ने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम को लिखित रूप से नगर निगम के कार्यों की जानकारी दी है। भागलपुर नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र भी लिखा है कि नगर निगम कंप्लीट फेल है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, कचरा उठाने की बात हो, डंपिंग ग्राउंड की बात हो। चिट्ठी हमने दिया है, मेरे पास है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल नगर निगम उदासीन है। जब तक मेरा मानना है कि जो ये कर्मचारी पहले से यहीं पर नौकरी जिनको दी गई है और वो कंटिन्यू करते हैं, जब तक पदस्थापन नहीं होगा, एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम जब तक नहीं होगा तब तक उसे काम सुधार नहीं होगा। इसी तरह कचरे फेंके रहेंगे, गंदगी शहर में रहेगा, नाला से पानी बहते रहेगा। भागलपुर के समाज सेवी दिवाकर चंद्र दुबे के आवास पर जीवन जागृति मंच बिहार के द्वारा जीवन चलने का नाम के बैनर तले कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए कवियों ने अपने काव्य पाठ के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान कवियों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर बने माहौल पर अपने काव्य पाठ के माध्यम से जमकर प्रहार किया। काव्य गोष्ठी के दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शंभू दयाल खेतान, संगीता तिवारी, सुमन सोनी सहित कई साहित्यकार व कवि मौजूद थे। नव थल जल मार्च से आया, कोरोना भारत में पैर पसारा, आकाश मार्ग से उड़कर आया, कोरोना पंख फैलाया, एक दूजे के संपर्क में आया, कोरोना जाल बिछाया।